Hazreen, मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, welcoming you to कहानी पाकिस्तानी का brand new episode. Welcome to California में Descanso Gardens, जो California में एक 160-acre botanical garden है और Museum of Living Collections. दुनिया भर में फैले पाकिस्तानी हर field में किरदार अदा कर रहे हैं. उन अनोखी fields में भी जिनमें किसी पाकिस्तानी की मौजूदगी आपको हैरान कर दे. वो fields कौन सी हैं और उनमें काम करने वाले पाकिस्तानी कौन हैं? उनकी इन अनोखी फील्ड्स में कामयाबी का राज क्या है? अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में 1950s और 60s में पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद आकर आबाद हुई और आज इन कामयाब पाकिस्तानी फैमिलीज का अमेरिकी मुआशरे में एक प्रोमिनेंट मकाम है. आज का शो इसी के नाम. हम इस शो को किक ऑफ करते हैं फॉन्टेना नामी शहर में एक इनक्रेडिबली यूनिक कहानी से. पाकिस्तान में पैदा होने वाले फरीद खान की कहानी में बोर्डिंग स्कूल, एयरप्लेन फ्लाइंग, गिटार प्लेइंग, ट्रक ड्राइविंग, यूएस ट्रैवल और थोड़ी सी होम डेकोरेटिंग कैसे फिट होते हैं एक बहुत ही एडवेंचरस लाइफ के जरिए. चेक दिस आउट. Mr. Fareed Khan. Ji. Thank you for having us. My pleasure. What a place. Ye aapne khud hi decorate kiya. I understand ke aap originally ek interior decorator hona chahte the, right? Meri koshish thi. Lekin music meri pehli mohabbat thi. Mere liye isme zyada kashish thi. Ye mera pehla mashghala tha. How did you end up doing what you're doing now? Well, I love the outdoors. मुझे बाहर घूमना फिरना पसंद है और इससे मुझे मुल्क भर में सफर का मौका मिलता है. मैं इस वक्त जो मुलाजमत कर रहा हूँ वो असल में सफर करना है जिसकी मुझे तनख्वाह मिलती है. मेरे मुल्क भर में बहुत से दोस्त हैं और मैं इस दौरान सफर इन दोस्तों से मिलता हूँ जिन्हें देखे अरसा हो चुका होता है. तो इससे पहले you were actually a guitarist / rock star. You're still a guitarist. I'm still a guitarist. I'm still a musician, if you will. Yes, from Pakistan se, I think I'm from the. मैं अब भी एक guitarist हूँ. मैं अब भी music बजाता हूँ. मैं 17 साल की उम्र से जब मैं पाकिस्तान में था गिटार के शहर में गिरफ्तार हो गया था. अमेरिका में आना और एक गिटार स्टार बनना मेरा ख्वाब था. मैंने कुछ अरसा इसके लिए कोशिश की, कुछ टूर्स भी किए, मैंने कुछ बैंड भी बनाए. तो थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं. आप पाकिस्तान में पैदा हुए थे, राइट? जी, कराची में. अच्छा, तो यहाँ कब आए थे? हाउ ओल्ड? मैं इधर आया हूँ 84 में. ओके. एक खातून से इसकी उम्र पूछना ज्यादती की बात है. जब मैं यहाँ आया तो मेरा ख्याल है कि मैं 18 साल का था. इस बात को बहुत अरसा हो चुका है. So what happened then when you first got to the United States? तो मेरा ख्याल है कि बहुत कुछ हुआ था. मैंने अपनी शुरुआत कहाँ से की? I've got time. Actually, I did my flying also, so I'm also certified pilot. So I have my private license. So actually, I was pursuing that. असल में मैंने यहाँ आकर हवाबाजी शुरू की और मैंने पायलट के तौर पर बहुत फ्लाइंग की. मेरे पास प्राइवेट फ्लाइंग लाइसेंस है. मैं रियासत लुजियाना के शहर न्यू ऑर्लीन्स आया था और वहाँ एक कॉलेज में दाखिला लिया. मैं फ्लाइंग के लिए कोशिश कर रहा था और इसके साथ साथ म्यूजिक भी कर रहा था क्योंकि म्यूजिक मेरी पहली मोहब्बत थी और मैं हकीकतन म्यूजिक करना चाहता था. मैं अब भी म्यूजिक बजाता हूँ कि पहले फ्लाइंग करनी है और फिर म्यूजिक. You are glossing over some of the really cool stuff you did in your music career, by the way. You've played with some big names, you've played some big places. जी. You've done some music videos. Yes. First band either in California. It was called Kashmir. हमने अपनी कुछ वीडियोस भी बनाई और गालबन 91 में हमने अपनी एल्बम रिलीज की थी. Okay. नया दौर के नाम से एंड वी हैड वीडियोस जो के एमटीवी एशिया आई बिलीव दे वर प्लेइंग ऑन देयर. नया दौर के नाम से इन वीडियोस को मेरा ख्याल है कि एमटीवी एशिया वाले दिखा रहे हैं. हमने जुनून के लिए भी काम किया. हमारा अगला बैंड Y2K था और हमने पूरे अमेरिका का दौरा किया. तो आप जो प्रोफेशनल ट्रक ड्राइविंग करते हैं जी वो इट्स द वे दैट यू डू इट I think it's very different from jo log sochte hain jab you know when they hear about truck driving. Ji. For you, you treat it like an adventure. It is. First and foremost, you have to love what you're doing. Otherwise you'll get burnt out. Truck driving mere liye ek adventure hai. Sabse pehli baat to ye hai ki aap jo kaam karte hain, aapko isse pasand karna chahiye. Warna aap ukta jate hain. Truck driving asal mein mere liye ek tarah ki azadi hai. बजाय इसके कि आप छोटे से कमरे में सुबह 9 से 5 बजे तक बैठे रहें, भले आपको इसका कितना ही मुआवजा क्यों ना मिले, मैं नहीं करूंगा. इस मुलाजमत से मुझे सफर करने का मौका मिला. मुझे
कैंपिंग और कायाकिंग करना और पहाड़ों पर चढ़ना पसंद है। इस काम में मेरे लिए आजादी है। मैंने एक मालिक के तौर पर ट्रक चलाना शुरू किया, जिसका मतलब है कि आप अपने अफसर खुद से हैं। आप अपने लिए वक्त का तायुन खुद कर सकते हैं। आप खुद ये तय करते हैं कि आपको कितने वक्त के लिए ट्रक चलाना है और आप जितना वक्त चाहे अपने घर ठहर सकते हैं। इसका अनुसार इस चीज पर है कि आपके पास बैंक में कितनी रकम मौजूद है। ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है। To driving and going out exploring, you know, the whole of the country. It's beautiful. क्योंकि you take stops along the way and you do things like rock climbing. If I have time. अगर मुझे रास्ते में वक्त मिलता है तो मैं ये करता हूँ। अगर मुझे कोई अच्छा मंजर दिखाई देता है तो मैं बहुत सी तस्वीरें उतारता हूँ और वीडियोस बनाता हूँ और सेल्फीज लेता हूँ। And the best part is I'm getting paid for it. Yeah, that's cool. Amazing. Yes, it is. आपकी सबसे लंबी ड्राइव क्या थी? सबसे लंबी ड्राइव हमारी होती है from California to Maine. How many miles is that? Oh my God, it's probably, you're looking at about 3,700 miles. Wow. One way. So how long did it take? Usually, हमारा जो time frame है उधर पहुंचने का, 4-5 दिन के अंदर. Because we have to take breaks, like you were saying, we have to. रास्ते में हमें ब्रेक लेने पड़ते हैं, हमें कानूनी तौर पर रुकना पड़ता है, इसलिए हम मुसलसल ट्रक नहीं चला सकते. ये सब कुछ इसलिए करना पड़ता है कि आप महफूज तरीके से ट्रक चला सके. 80,000 पाउंड वजनी ट्रक को एक मौलिक हथियार के तौर पर देखा जाता है. इस इंडस्ट्री में पाकिस्तानी कितने हैं? क्योंकि हम कम सुनते हैं. पाकिस्तानी बहुत कम है. मुझे 5 साल हो गए चलाते हुए, उसमें मेरे ख्याल मुश्किल से मुझे 10 या 12 मिले. How much do you enjoy what you do? Oh, I love it. I gotta go. ऐसी जगह से गुजरता हूँ कि it's just hard to imagine. आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि अमेरिका में ऐसी जगह भी हैं. जब मैं किसी ट्रिप पर जाता हूँ तो मुझे वहाँ नई और खूबसूरत और हैरान कुन चीजें देखने को मिलती हैं. How long do you plan on continuing along this path? इसमें एक ट्रकिंग का ही ट्रक चलाने का एक फायदा यह है कि इसमें रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं और आप जब तक जिस्मानी लिहाज से फिट हैं आप इसे जारी रख सकते हैं. मेरा इरादा है कि मैं मज़ीद 4-5 साल ये काम करूं और इसके बाद देखते हैं कि क्या होता है. We'll see what happens. We'll see what happens. But the music will be there forever. Music is always there. It's still playing in my head while I'm talking to you. Music हमेशा बाकी रहे हैं. मैं उस वक्त से जब से आपसे बात कर रहा हूँ मेरे जहन में म्यूजिक गूंज रहा है. मैं उस वक्त भी एक गाने के बारे में सोच रहा था. आप म्यूजिक को मुझसे अलग नहीं कर सकते. ये मेरे खून में शामिल है. म्यूजिक मेरी फितरत का हिस्सा है. शायद मुझे अपने गिटारों के साथ दफन किया जाएगा. At the end of the day, what makes you look back on your day and think that today was a really good day? Actually, today is a good day too. वैसे तो आज भी एक अच्छा दिन है. जहाँ तक मेरा ताल्लुक है तो मुझे किसी चीज का पछतावा नहीं है. मेरे लिए हर दिन एक नया दिन होता है और एक नया आगाज होता है और मैं जिंदगी का भरपूर लुत्फ उठाना चाहता हूँ. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. You're welcome. My pleasure. अब देखते हैं कि यहाँ के रहने वाले एक पाकिस्तानी ने हॉलीवुड सेलिब्रिटीज और हाई एंड क्लाइंट्स के घरों में पाकिस्तान के रंग कैसे और किस रंग में पहुँचाए. We'll be right back. अब एक ऐसे बिजनेस की कहानी जिसके फाउंडर और मालिक ही पाकिस्तानी नहीं बल्कि इसकी पहचान और कामयाबी की वजह भी पाकिस्तान है. ये कहानी है अदील मलिक की, जिन्होंने 15 साल पहले शुरू किए जाने वाले अपने हैंडमेड इन पाकिस्तानी रग्स के बिजनेस के जरिए हॉलीवुड और अमेरिकी सोसाइटी की दूसरी एलीट क्लास को पाकिस्तानी आर्ट फॉर्म से इंट्रोड्यूस करवाया. देखिए हमारी इस कहानी के जरिए. शुक्रिया कि आपने हमें इतने खूबसूरत हमारा रग्स के शोरूम में बुलाया. What's interesting is आप शुरू से रग्स में इंटरेस्टेड नहीं थे, तो आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? असल में मैं अमेरिका पढ़ने के लिए आया था. मेरे वालिद साहब चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूँ, तो लेकिन मुझे नई आज़ादी मिली पाकिस्तान से आया तो कुछ अरसा में गया कॉलेज मैंने किया, लेकिन मैंने सोचा कि साथ में मुझे कुछ ऐसा भी करना चाहिए कि मैं थोड़ा जल्दी सक्सेसफुल हो सकूं. शॉर्टकट. आई गॉट अ जॉब ऑफर एंड इट वाज अ स्मॉल. मुझे एक मुलाजमत की पेशकश हुई. वो एक छोटी सी कंपनी थी. मैंने वहाँ काम करना शुरू कर दिया और उनका कारोबार कुछ ज्यादा अच्छा नहीं जा रहा था और मैंने ये जानने की कोशिश की कि उनका बिजनेस अच्छा क्यों नहीं चल रहा है.
मैंने इलाके के दूसरे कारोबारों के मुतालिक मालूमात इकट्ठी करनी शुरू कर दी और एक मुझे पता चला कि इस तरह से एक बिजनेस है और मैं गया वहाँ पे सिर्फ देखने के लिए कि उनके पास किस किस्म के ड्रग्स हैं एंड द गाय आस्क्ड मी कि आप कहाँ से हैं मैं बताया पाकिस्तान से हूँ और ही एंडेड अप ऑफरिंग मी अ जॉब एंड आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर हिम और 10 साल के बाद फिर मैं पाकिस्तान गया अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए You know, I had no intention of buying rugs when I went to see my parents. मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि चूंकि तुम रग्स के बारे में अच्छा जानते हो तो let's just go and meet few manufacturers. क्योंकि उस जमाने में भी पाकिस्तान से जो रग्स आ रहे थे वो दुनिया में one of the best considered किए जाते थे तो he put a small shipment together for me and I remember actually that shipment was for like $6,000 और जैसे ही मैं वो shipment यहाँ पे लेके आया तो जिस आदमी के लिए मैं काम करता था उसे पता चला कि मैं shipment लेके आया उसे बताया तो उसने इस डर से मेरे से सारी shipment बहुत अच्छे प्रॉफिट में खरीद ली कि मैं किसी और को ना बेचने चला जाऊं किसी और रग स्टोर को ना बेचने चला जाऊं वाओ देन आई गॉट द टेस्ट ऑफ द मनी एक्चुअली आई हैड अ लॉट ऑफ फन इन सिलेक्टिंग रग्स द होल प्रोसेस जो इट जस्ट टच्ड मी एंड आई फेल्ट लाइक आई शुड डू इट अगेन तो फिर मैं इस बार 6 महीने के बाद पाकिस्तान गया and in this time I had twice of the more money so maine decide kiya ki ab mujhe properly is kaam ko properly karna chahiye to main pakistan mein jitne bhi acche manufacturers the main unke paas gaya ja ke unki product dekhi aur uske baad fir maine 3 companies select ki jinki bahut khoobsurat product thi to fir main merchandise leke aaya aur jab main merchandise leke aaya to mera boss expect kar raha tha it was a much bigger shipment yeah aur तो वो सारी खरीद भी नहीं सकता था मेरे से तो मैंने उस वक्त जो है ना होलसेल काम शुरू किया जी हाँ उसके बाद मेरे पास कोई जगह नहीं थी मर्चेंडाइज को डिस्प्ले करने के लिए तो एक मुझे समझ नहीं आ रही थी मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं कोई वेयर हाउस लेता और प्लस मैं अभी इस अपने जो बिजनेस था उस बिजनेस को मैं मैनेज भी कर रहा था तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने गराज से गराज को मैं शोरूम बना दूं और उससे जो है मैं वहाँ पे अपने होलसेल क्लाइंट्स वहाँ पे लेके आ सकता हूँ क्योंकि मेरे होलसेल क्लाइंट्स जो थे वो मेरे करंट बिजनेस से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते थे कि यू अट्रैक्टेड योर फर्स्ट मेजर हाई एंड क्लाइंट टू अ गैराज करेक्ट इसके बारे में बताइए इट्स एक्चुअली अ वेरी फनी स्टोरी और हमारे इलाके के अंदर एक बहुत ही मशहूर इंटीरियर डिजाइनर थी जो कि हेड ऑफ द एएसआईडी भी थी लेकिन अमूमी तौर पर लोग उन्हें अप्रोच करते हुए थोड़ा हिचकिचाते थे मुझे चूंकि रक्स के बारे में काफ़ी हद तक मैं सीख चुका था उस वक्त तक तो मैंने उन्हें अप्रोच किया और उन्होंने मुझे कुछ फ्लोर प्लान्स दिखाए और कुछ फैब्रिक्स दिखाए तो मैंने उन्हें बताया कि जो चीज़ें आप देख रही हैं ये उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं और उन्हें मेरे ऑप्शंस बहुत पसंद आए उन्हें लगा कि इस बंदे को कुछ थोड़ा बहुत पता है तो उन्होंने कहा कि मैं आज आ सकती हूँ आपकी वेयर हाउस पर तो मैंने उन्हें मैं थोड़ा सा हिचकिचा भी रहा था बिकॉज मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं रग्स जो है वो उनके अमूमी तौर पे क्या हम लोग करते हैं कि जब हमारे डिज़ाइनर्स रग्स को सिलेक्ट करते हैं तो हम रग्स क्लाइंट के घर ले जाते हैं और वहाँ पे बिछा के उन्हें दिखाते हैं okay. तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो मुझे कहेंगी ठीक है आप फलाने फलाने रग्स जो हैं उधर ले आए और लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आके पहले देखना चाहती हूँ तो मैं उन्हें अपने गैराज में ले गया जब उन्होंने देखा कि मतलब ये गैराज है तो थोड़ी सी वो जरा डिसपॉइंट सी हुई लेकिन जैसे ही गैराज का दरवाज़ा खुला तो हमने रग्स वगैरह जो है वो दीवार पर डिस्प्ले किए हुए थे प्रॉपर लाइटिंग थी अच्छा फ्लोर था और द रग्स वर लुकिंग ब्यूटीफुल तो उन्होंने जैसे देखे रग्स तो फैसिनेट हुई तो अंदर आ गई अब थोड़ा सा मसला ये था कि लाइट बहुत ज्यादा अंदर आ रही थी और उस लाइट में आप रग्स के ट्रू कलर्स नहीं देख सकते तो हमें दरवाजे को गैराज के दरवाजे को बंद करना पड़ा तो जैसे हमें बंद किया बहुत गर्मी थी ऊपर से लाइट ऑन थी तो इट बिकेम वेरी हॉट और वो अमूमी तौर पे वो इस किस्म की डिजाइनर थी कि उनसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए पीपल हैड टू वेट एंड अल्लाह का शुक्र है कि मैं मेरे लिए आसानी थी और वो अल्लाह की तरफ से सब कुछ हुआ तो इतनी गर्मी हो गई कि उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप पंखा चला सकते हैं I had to go inside my home, bring a fan, put it out there. लेकिन उस वक्त वो मेरी तीसरी शिपमेंट थी
पाकिस्तान से, उसमें सारे रक्स पाकिस्तान से थे. और जब हमने उन्हें रक्स दिखाने शुरू किए तो she was in love with them. तो पाकिस्तान में मेन दो किस्म के रक्स बनते हैं. एक जो पाकिस्तानी लोग बनाते हैं और एक वो है जो कि अफगानिस्तान से, जो हमारे अफगान भाई बहुत सालों से पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनकी ये स्पेशलिटी थी. लेकिन वो लोग रक्स बनाते थे अपने स्टाइल में, अफगान स्टाइल में. लेकिन उनकी वीविंग टेक्निक जो है वो बहुत खूबसूरत है, उसका जो टेक्सचर आता है वो बहुत खूबसूरत है. तो उन्होंने कुछ रग्स बनाए पाकिस्तान के स्टाइल में, तो वो एक डिफरेंट प्रोडक्ट बन गई, एक बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट बन गई. वो ऐसे लगता है कि जैसे नए रग्स हैं, वो बनाते नए रग्स हैं लेकिन लगते ऐसे हैं जैसे कि 100 साल पुराने हो. रग तकरीबन एक किस्म का हर चीज़ इसके अंदर नेचुरल होती है. वो जो मटेरियल जो इसके अंदर यूज़ होता है, ज़्यादातर रग्स जो पाकिस्तान से आते हैं वो वूल है. और वूल जब तैयार की जाती है तो वो भी उसको हाथ से स्पिन किया जाता है. ज़्यादातर वूल दुनिया में जो आजकल यूज़ होती है उसको मशीन से स्पिन किया जाता है, लेकिन हाथ की वूल अमूमी तौर पे घरों में औरतें हाथ से उसको, जस तरह से चरखा बुनती होती थी उस तरह से हाथ से वूल को स्पिन करती हैं. 9x12 साइज़ का रग है. अगर एक आदमी उसको बना रहा है तो उसको बनाने में तकरीबन 8 से 9 महीने लग सकते हैं. जी हाँ. और उसके बाद उसका फिनिशिंग प्रोसेस जो है वो भी तकरीबन 1.5 से 2 महीने लगते हैं उसके अंदर. तो एक रग को प्रॉपरली बनने में अगर एक इंसान बना रहा हो तकरीबन 1 साल लगता है. कितनी फखर की बात है. वैसे अब मैं रग्स के बारे में इतना जान चुकी हूँ, I think I've become a rug snob. अब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, लेकिन फर्स्ट उमर जो है वो पाकिस्तान से जरा बड़ी है थोड़ी सी, तो मैं पाकिस्तान बनने से पहले का शख्स हूँ. क्या आप जानते हैं कि बकिंगहम पैलेस के तारीखी शैंडेलियर्स को एक नई जिंदगी देने में एक पाकिस्तानी का हाथ है? ये ऑनर हासिल है एक पाकिस्तानी अमेरिकन परवेज लोधी को, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के बानी और सीईओ हैं. मिस्टर लोधी एलईडी लाइट बल्ब और एलईडी लाइटिंग प्रोडक्ट के सबसे पहले क्रिएटर्स में से एक समझे जाते हैं, और आज इस फील्ड में उनकी खिदमात का आलमी सतह पर एतराफ किया जाता है. बट वेट, देयर इज मोर. मिस्टर लोधी इस टेक्नोलॉजी के जरिए पाकिस्तान के दूर दराज देहात में बिजली पहुंचाने के लिए भी काम करते आ रहे हैं. आइए चलते हैं टू द इलेक्ट्रॉनिक्स हेडक्वार्टर्स इन टोरेंस कैलिफोर्निया. अमेरिकन ड्रीम है जो कि 33 साल पहले शुरू की थी मैंने और मेरी बेगम ने अपने घर में, यहाँ से 1.5 मील दूर गैराज में. दैट्स हाउ, इसी तरह से अमेरिकन ड्रीम्स बहुत से शुरू हो चुके हैं पहले. तो एलईडी ट्रॉनिक्स में आप प्राइमरीली एलईडी लाइटिंग प्रोवाइड करते हैं ना? जी, हम लोग 33 साल पहले से अमेरिका की जो सारी इंडस्ट्रीज हैं बड़ी बड़ी, उनकी ज़रूरियात के मुताबिक पुराने जनरेशन की लाइटों को नए जनरेशन के एलईडी बल्ब में कन्वर्ट करने में डिज़ाइन करते रहे हम लोग. 33 साल में तकरीबन 12,000 या 13,000 फ़र्क किस्म के बल्ब बना चुके हैं हम लोग, LEDs, लाइट एमिटिंग डायोड. एक्चुअली जो सबसे पहले दुनिया का जो सबसे छोटा LED बल्ब मैंने पैकेज किया था सन 72 में किया था. आप पाकिस्तान में कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? मैं कराची से हूँ. मेरी उम्र जो है वो पाकिस्तान से ज़रा बड़ी है थोड़ी सी, तो मैं पाकिस्तान बनने से पहले का शख्स. अच्छा, आप अमेरिका कब आए और किसकी तलाश में आए थे? मैं सन 67 में आया, 67. मेरे बड़े भाई मुझसे 7 साल पहले यहाँ आए थे, तो उन्होंने फिर 67 में मुझे सजेस्ट किया कि अपनी तालीम को वहाँ पाकिस्तान में जो तालीम हासिल की थी उसको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ आओ. अब आप माशाल्लाह, यू आर द ओनर ऑफ अ मल्टीमिलियन डॉलर बिजनेस, तो आपका सफर कैसा रहा? ये सफर बहुत ही ज़बरदस्त है. मेरा ख्याल है कि बहुत कम लोगों को इतना ज़बरदस्त सफ़र करने के मौके मिलते हैं. एक तो पैशन मुझे अपने काम करने का,
चीज़ें बनाने का, दूसरा मेरा पैशन था कि पाकिस्तान के लिए मैं कितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता हूँ, और तीसरा पैशन मेरा है गुरबत को हटाने का। तो इन तीनों पैशंस में कुछ ना कुछ ऐसा रहा कि ये काम बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता चला गया। Right. आपके बारे में कहा गया है कि you have a very interesting life story. Walk me through your journey. इंजीनियर जो होते हैं वो एक ऐसी जात होती है, इंजीनियर जो होते हैं तो वो हमेशा मसले दूर करने में लगे रहते हैं या टूटी हुई चीज़ों को जोड़ने में लगे रहते हैं। मुझ में यह था कि मुझे हर वक्त बेचैनी थी कि मैं कैसा ऐसा काम करूं जिससे कि कोई नई चीज़ बने। इलेक्ट्रॉनिक्स को शुरू करना, मेरी बेगम कराची से हैं, शी इज़ बॉर्न इन कराची, कराची से हैं, और हम दोनों ने मिल के एक कदम लिया और बड़े तरीके से किया, और उसमें भी है कि कभी भटके नहीं, यू नो, उस चीज़ में। तो ये बात साफ है कि आपको लोगों की मदद करने का बहुत शौक है, बहुत लगाव से आप करते हैं। कराची में माशाल्लाह आपकी एक फैक्ट्री है जहाँ पे यू एम्प्लॉय ओवर 200 पीपल। अगर मैं दुनिया में कहीं भी ये काम करवाता तो कराची और पाकिस्तान से बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। यानी कि कम से कम मुश्किल में, कम से कम खर्चे में, कम से कम मेहनत में दुनिया के बेहतरीन लोगों ने वो वहाँ की बुनियाद और वो करके, भीख मांगने का जो एक है ना एक तरीका, वो किसी को बना नहीं सकता। तो मैं उसके खिलाफ मैं जंग करता हूँ। मैं कि भीख नहीं मांगनी, मैं तुम्हें तरीका बता दूंगा, मैं तुम्हें वो थोड़ी ऐसी चीज़ दे दूंगा जिससे कि तुम्हें ना सिर्फ तुम बल्कि तुम्हारी पूरी फैमिली, तुम्हारा ख़ानदान हमेशा के लिए आगे बढ़ जाए। जैसे वो कहते हैं, वो saying, teach a man to fish and he'll feed himself for an entire lifetime. बिल्कुल। जब इकॉनमी खराब होनी शुरू हुई, शान टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान के जॉब्स की वजह से, क्योंकि वो मुझे इतने अच्छे प्रोडक्ट और इतने कम वक्त में और इतने अच्छे फायदे से, कि उनकी वजह से मैं यहाँ लोगों की तनख्वाहें दे पा रहा था। तो मेरा तकरीबन आप समझें कि 50% से ज्यादा का जो काम है वो वहाँ से बन के आता है और यहाँ बड़ी से बड़ी कंपनियों को जाता है वो सामान, और 17 साल हो गए। और आप पाकिस्तान के रिमोट एरियाज में भी you're providing electricity, और ये भी है कि आप पाकिस्तान के villages में you're building basketball courts. दुनिया के कितने, पता नहीं, मेरे ख्याल है 1 बिलियन लोग ऐसे हैं जो अंधेरे में रहते हैं। 10-15-20% जो आबादी है दुनिया की, जो शाम के बाद उनकी जिंदगी तकरीबन रुक जाती है। तो वो मैंने कहा रोशनी एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसान खा नहीं सकता, मगर रोशनी से बहुत कुछ उजागर हो जाता है, बहुत कुछ। एक ऐसी रोशनी जो कि बहुत कम एनर्जी लेती है, और एक पाकिस्तानी अमेरिकन, प्राउड पाकिस्तानी अमेरिकन तरीके, मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैंने एक ऐसी इंडस्ट्री की बुनियाद रखी जो कि इस सारी दुनिया में बे इंतहा लोगों को एक तो ये नौकरियां प्रोवाइड कर रही है, मगर एनवायरनमेंट को भी बेहतर कर रही है और बहुत से मसले, और उससे सबसे ज़्यादा उन चीज़ों में जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा उसका जो असर हो रहा है वो गरीब तरीन लोगों के ऊपर हो रहा है दुनिया के। बहुत हमारे पर मेहरबानी होती रहती हैं, हम बहुत ब्लेस्ड होते हैं, मगर उस ब्लेसिंग को हम शेयर नहीं करते। वो जो शेयरिंग नहीं करते ना, तो उसमें हम बहुत बहुत गरीब रह जाते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। और ये था हमारा आज का शो ऑन यूनिक पाकिस्तानीज इन यूनिक प्रोफेशंस। आपके क्या ख्याल हैं इस टॉपिक के बारे में, जरूर हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करिएगा और अपने कमेंट्स भेजते रहिएगा। फिकर मत करिए क्योंकि आवर ट्रिप थ्रू कैलिफोर्निया कंटिन्यूज इन अपकमिंग एपिसोड्स। तब तक मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, साइनिंग ऑफ फॉर कहानी पाकिस्तानी। खुदा हाफिज़।